भोपाल के करीब स्थित वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने हॉस्टल में सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने पर 7 छात्रों पर जुर्माना लगा दिया। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने छात्रों को नोटिस थमाते हुए 5,000 रुपयों का फाइन भी भरने को कहा है, जिसके बाद अब इस मामले में प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले यूनिवर्सिटी में बीटेक सेकेंड ईयर के 20 छात्रों ने हॉस्टल के रूम में एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ी थी। इस बात की शिकायत स्टूडेंट के एक अन्य ग्रुप ने मैनेजमेंट से कर दी। शिकायत सही पाए जाने पर छात्रों की अगुवाई कर रहे 7 छात्रों पर जुर्माना लगाए जाने का नोटिस जारी किया गया। इस पूरे विवाद में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की कार्रवाई को आपत्तिजनक बताया है। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा का पाठ अगर हिंदुस्तान में नहीं होगा तो कहाँ होगा। सीहोर कलेक्टर चंद्रमोहन को पूरे मामले की जांच के लिए निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र पर कोई जुर्माना नहीं होगा। हमने उनको संदेश दे दिया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी तरह का जुर्माना ना करें, बच्चों को समझाइश दी जा सकती है। कलेक्टर चंद्रमोहन ने बताया कि कुछ छात्रों ने विशेष आयोजन किया था और इसकी अनुमति उन्होंने प्रबंधन से नहीं ली थी। कुछ छात्रों ने इसका विरोध करते हुए मैनेजमेंट से शिकायत कर दी, जिसके बाद मैनेजमेंट ने हॉस्टल में बिना अनुमति पाठ करने वाले छात्रों पर 5,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया। मामला कुछ दिन पुराना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी VIT विवाद में आ चुका है। यहाँ के एक छात्र ने मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली के लिए एक ऐप बनाया था। वही यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नायर से फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन ना तो उन्होंने फोन रिसीव किया और ना ही किसी SMS का जवाब दिया। 6 महीने पहले पुलिस ने बुलेबाई ऐप बनाने वाले VIT के स्टूडेंट नीरज विश्नोई को पकड़ा था। बुलेबाई ऐप के जरिए मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की तस्वीरें लगाकर कथित तौर पर उनकी बोली लगाने का आरोप है। वो VIT के सीहोर कैंपस में BTech कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का इस मामले में कहना था कि उसने 2 साल पहले एडमिशन लिया था, लेकिन कोरोना के कारण वो कॉलेज उपस्थित नहीं हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कोई जुर्माना नहीं होगा, हमने उनको संदेश दे दिया है। हनुमान चालीसा पढ़ने पर किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं करे। बच्चों को समझाइश जैसी चीज तो दी जा सकती है। हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में नहीं पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे।